वेलकम टू माय चैनल डीएस रैंकर। आज हम क्लास सेवेंथ के सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी पाएंगे बाय धान गोपाल मुखर्जी। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑथर। सो धान गोपाल मुखर्जी इज द फर्स्ट पॉपुलर इंडियन राइटर इन इंग्लिश। ही वॉज बॉर्न ऑन July 6, 1819 इन कलकत्ता। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर द करी, द एलिफेंट, माय ब्रदर फेस एंड एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट characters in the story. First is Curry, an elephant, and second Curry's friend and keeper. So let's start the story. Curry नामक हाथी मात्र 5 माह का था जब मुझे उसकी देख रेख करने का काम मिला। मैं 9 वर्ष का था और पैरों के पंजे पर खड़े होकर भी मैं उसकी पीठ तक ही पहुंच पाता था। वह लगभग 2 वर्षों तक उतना ऊंचा लगता रहा। हम साथ साथ बड़े हुए, शायद इसी कारण मुझे कभी पता न चला कि वह कितना लंबा था। वह एक खेमे में रहता था जिसके ऊपर फूस की छत थी और उस छप्पे के मोटे वृक्ष के तनों पर रखा हुआ था ताकि करी अंदर घूमते समय बांस की बल्लियों से टकराए तो छप्पर गिरे नहीं। करी ने पहला काम जो किया था, उसने एक बच्चे के प्राण को बचाया था। करी बहुत अधिक चारा भी नहीं खाता था, तथापि उसे चबाने और खिलवाड़ करने के लिए 40 किलो मुलायम टहनिया की ज़रूरत पड़ती थी। मैं हर दिन प्रातः उसे नदी पर नहलाने ले जाता था। वह रेत के तट पर लेट जाता था जबकि मैं 1 घंटे तक उसके शरीर पर नदी का स्वच्छ रेत मलता था। इसके बाद वह पानी में 1 घंटा लेटा रहता। बाहर निकलने पर उसकी त्वचा आबनुस लकड़ी की भांति काली चमकती थी और जब मैं उसकी पीठ पर से पानी नीचे गिराता था वह खुशी से चीखे मारता था। अब आगे, फिर मैं उसे कान से पकड़कर ले चलता था क्योंकि हाथी को कहीं ले जाने का यह सरल तरीका था और उसे जंगल के छोर पर छोड़ दिया था। फिर मैं जंगल से कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ इकट्ठा करने लगता। हमारे पास इन टहनियों को काटने के लिए बहुत धार वाली कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती है। कुल्हाड़ी को धारदार बनाने के 1/2 घंटा लगता है क्योंकि यदि टहनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो हाथी उसे छूता भी नहीं। मुलायम टहनियों और छोटे पौधों करी के लिए एकत्रित करना सरल काम न था। मुझे सभी प्रकार के वृक्षों पर सर्वाधिक नरम और मुलायम टहनियाँ एकत्रित कर पाने हेतु चढ़ना पड़ता था। क्योंकि करी को वट वृक्ष की नई शाखाओं को खाना प्रिय था, ये शाखाए पत्तियाँ तथा शाखाओं का एक गिरजाघर जैसा था। मार्च में वसंत के एक दिन में कुछ टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था जबकि मुझे अचानक दूर से करी के पुकार जैसी आवाज़ सुनाई दी। चूँकि वह अभी बहुत छोटा था, उसकी आवाज़ भी किसी हाथी के बच्चे जैसी थी। मैंने सोचा कोई उसे चोट पहुँचा रहा है। इस कारण मैं वृक्ष के नीचे उतरा और तेज गति से जंगल की ओर भागा, पर करी वहाँ नहीं था। मैंने चारों ओर देखा पर उसका पता नहीं चला। मैं पानी के किनारे तक गया और मैंने किसी काली चीज़ को पानी की सतह पर फड़फड़ाते देखा। फिर वह चीज़ ऊपर उठी और यह तो मेरे हाथी की सूंड थी। मैंने सोचा वह डूब रहा है। मैं लाचार था क्योंकि पानी में छलांग लगाकर 400 पौंड वाले जीव को बचा नहीं सकता था क्योंकि वह तो मुझसे कई अधिक ऊंचा था। पर मैंने उसकी पीठ को पानी में ऊपर उठते देखा और जैसे ही हाथी से मेरी निगाह मिली वह चिंघाड़ने लगा और तट तक आ गया। फिर चिंघाड़ते हुए उसने मुझे पानी में गिरा दिया और जब मैं नदी में गिर गया मैंने वहाँ नदी के तल पर एक बालक को पड़ा पाया। वह अभी नीचे तक नहीं पहुँचा था, कुछ कुछ पानी के ऊपर तैर रहा था। मैं पानी की सतह पर सांस लेने आया और वहाँ कारी को रेतीले तट पर पैर जमाए देखा। उसकी सूंड जैसे मेरा हाथ पकड़ने को आगे बढ़ी हुई है। मैंने पुनः गोता लगाया तथा डूबते बालक को सतह पर ले आया, पर चूंकि मैं अच्छा तैराक न था मैं तट तक तैर कर नहीं जा सकता था और गति वाली धार मुझे पहले ही पानी में नीचे खींच रही थी। नदी की धारा में बहते देख कर कारी, जो आमतौर से मंद गति और भारी भरकम था, अचानक वह किसी बाज पक्षी की तरह तेज गति से आगे बढ़ा। वह पानी में आधी दूर तक आ गया जहां मैंने उसे अपनी सूंड को आगे बढ़ाते देखा। मैं अपना हाथ सूंड पकड़ने के लिए ऊपर लाया पर वह फिसल गया। मैंने स्वयं को दोबारा पानी के नीचे जाते पाया पर इस बार मुझे लगा कि पानी गहरा न था। इस कारण मैं नदी के तल तक पहुँच गया। अपनी दोनों टांगों को मैंने दोहरा किया, फिर सहसा नदी तल पर एक ठोकर मारी और इस कारण तीर की भांति ऊपर आ गया। यद्यपि मैं डूबते बाद भी अपने हाथ से पकड़े हुए था। जब मेरा शरीर पानी से ऊपर आ गया मुझे अपनी गर्दन के चारों ओर कोई रस्सी लिपटी महसूस हुई। इससे मैं डर गया।
मैंने सोचा कोई जल जीव मुझे खा जाएगा। मैंने करी को आवाज़ सुनी और यह तो उसी की सून मेरी गर्दन पर लिपटी थी। वह हम दोनों को तट तक खींच लाया। करी एक बच्चे की भांति था, उसे सुधारने के लिए प्रशिक्षण देना ज़रूरी था और यदि आपने उसे शैतानी करने से नहीं रोका तो वह अधिकाधिक शैतानी करता है। उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने को कुछ केले दिए, शीघ्र ही पके केले खाने में उसकी रुचि बढ़ गई। हम लोग भोजन कक्ष की खिड़की के पास एक मेज पर फलों की बड़ी प्लेट रखते थे। एक दिन उस मेज पर से सारे केले नदारद हो गए और मेरे परिवार ने नौकरों पर आरोप लगाया कि वे घर के सारे फल खा गए थे। कुछ दिन पश्चात फल पुनः गायब हो गए। इस बार दोष मेरे सिर चढ़ गया और मैं जानता था कि मैंने फल नहीं खाए थे। मैं अपने माता पिता से नाराज़ हो गया। मैं नौकरों से भी नाराज़ था क्योंकि मुझे विश्वास था कि उन्होंने ही फल चुराए थे। अगली बार फल जब गायब हुए तो मैंने एक केला कुचला हुआ कारी के खेमे में पड़ा पाया। इस बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने पहले कभी वहाँ कोई फल नहीं देखा था। और आपको विदित ही है कि कारी सदा ही नए कोपले खाया करता था। अगले दिन जब मैं भोजन कक्ष में बैठा सोच रहा था कि मैं माता पिता की अनुमति लिए बगैर कुछ फल ले लूं अथवा नहीं, तभी मैंने एक लंबी काली चीज़ जो किसी सर्प जैसी दिखती थी अचानक खिड़की से अंदर आई और सारे केले ले गए। मैं बहुत डर गया क्योंकि कभी भी पहले मैंने किसी सांप को केले खाते नहीं देखा। मैंने सोच लिया कि यह कोई डरावना सांप ही है जो चोरी से प्रवेश करके फल ले जाएगा। मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकला और घर से भाग गया। मुझे पूरा विश्वास था कि सांप वापस घर में घुसेगा, सारे फल खा जाएगा और हम सबको मार डालेगा। जब मैं बाहर निकला मैंने करी के पीछे उसके शेड की दिशा में जाते देखा और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं चाहता था करी मुझे खुश कर दे। मैं उसके पीछे पीछे शेड में दौड़ता हुआ गया तथा मैंने उसे वहाँ केले खाते देखे। मैं हैरानी से स्थिर खड़ा था, उसके चारों तरफ केले बिखरे पड़े थे। वहाँ वह खड़ा था, वहाँ से दूर पड़े केले के उठाने के लिए उसने सूंड बढ़ाई। उस समय मुझे सूंड एक काले सांप की भांति दिखा और मैं समझ गया कि कारी ही चोर था। मैं उसके पास गया, उसे कान से पकड़कर बाहर आया तथा खुशी के साथ अपने माता पिता को दिखाया कि मैं नहीं, यही कारी कई सप्ताह से केले चुराता रहा है। फिर मैंने उसे फटकारा क्योंकि हाथी भी बच्चों की भांति शब्द समझ लेते हैं। मैंने उसे बोला, अगली बार यदि मैंने तुम्हें फल चोरी करते पकड़ा तो तुम्हें कोड़े से पीटूंगा। वह समझ गया कि हम सभी उससे नाराज़ हैं, नौकर भी नाराज़ हैं। उसके आत्मगर्व को इतनी ठेस लगी कि इसके पश्चात उसने भोजन कक्ष से कभी कोई दूसरी चीज़ नहीं चुराई और उसके बाद यदि कोई उसे फल देता था तो वह सदैव लंबी आवाज़ निकालकर मानो उसे धन्यवाद देता था। हाथी गलती करने पर दंड पाने के लिए तैयार रहता है, पर यदि आप उसे आकार दर देंगे तो वह उसका प्रतिशोध या बदला लेगा। हाथी को सिखाना ज़रूरी होता है कि कब वह बैठ जाए, कब चल दे, कब तेज़ चले, कब धीरे चले। आप उसे ये बातें उसी प्रकार से सिखाते हैं जैसे कि किसी बच्चे को। यदि आप धत कहते हैं और उसके कान खींचते हैं तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप उसे माली बोलकर उसकी सूंड आगे की ओर खींचते हैं तो वह धीरे धीरे सीख लेना कि यह चल पड़ने का संकेत है। कारी सिर्फ 3 बार में माली शब्द का अर्थ समझ गया, पर धत शब्द सीखने में उसे 3 सप्ताह लग गए। बैठने में वह कुशल नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि हाथी को बैठाना सिखाना क्यों आवश्यक होता है? कारण यह है कि वह आपसे अधिक ऊंचा हो जाता है। जो उसकी देखभाल करते हैं 2 या 3 वर्षों में आप उसकी पीठ पर किसी सीढ़ी के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। अति आवश्यक यह है कि धब शब्द के द्वारा बैठना सिखाना बेहतर होता है ताकि आप उसकी पीठ पर बैठने से सुविधा हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर समय तो सीढ़ी साथ लेकर नहीं चलता। हाथी को मास्टर कॉल सिखाना सर्वाधिक कठिन काम होता है। वह इस आदेश को ठीक से सीखने में 5 वर्ष का समय ले लेता है। मास्टर कॉल किसी विचित्र फुफकारने और शोर की तरह होती है, मानो कोई सांप तथा बाघ परस्पर लड़ रहे हैं। और यह बात आपको हाथी के कान में कहनी होती है। और फिर क्या आप बता सकते हैं कि हाथी को मास्टर कॉल द्वारा क्या करने का संकेत दिया जाता है? यदि आप जंगल में भटक गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, ऊपर तारों के अलावा अन्य सभी कुछ अंधकार में होता है और कहीं भी अधिक समय तक ठहरे रहने का आप साहस नहीं जुटा सकते,
उस समय हाथी को मास्टर कॉल देना ही एकमात्र उपाय है और तुरंत हाथी अपनी सूंड से अब सामने वाले वृक्ष को उखाड़ देगा। इस काम से डर कर सभी जानवर भागने लगते हैं। जब वृक्ष शोर के साथ गिरता है तो वृक्ष पर बैठे बंदर नींद से जाग जाते हैं और शाखाओं पर भागने लगते हैं। आप चांदी में उन्हें देख सकते हैं। 12 सिंगों को भी नीचे सभी दिशाओं में भागते देखा जा सकता है। दूर से आते बाघ का गुर्राना भी आप सुन सकते हैं, वह भी डर जाता है। फिर हाथी अगला वृक्ष उखाड़ता है और फिर अगला और फिर अगला। शीघ्र ही आप पाएंगे कि वह जंगल के बीच से घर तक का रास्ता साफ कर देता है। हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।